हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दोस्तों ब्रिगेड मछली। तो ये मछली काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी मीठी होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए पहले मछली को अच्छी तरीके से चोंटे और इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं चोंटा वेटा। तो दोस्तों आइए मछली को पहले साफ कर लेते हैं, इसके जो चोंटे हैं निकाल लेते हैं दोस्तों। तो आराम से जो चोंटा होता है इसका निकल जाएगा, ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से निकल जा रहा है। तो दोस्तों इसके पर जो है काट लेंगे। तो दोस्तों बीच में से हमने काट दिया और इसका जो कचरा होता है वो निकाल दिया है, साफ कर दिया है बिल्कुल। और हम ऐसे खड़े ही मछली बनाएंगे, साबुत ही मछली बनाएंगे। अब इसको रख देते हैं और दूसरा साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों मछली को हमने काट लिया, अब आइए मछली को धो लेते हैं। तो मछली को हमने काट के अच्छी तरीके से इसे धो लिया है दोस्तों। अब आइए मछली में हम ऊपर ऊपर से कट लगा दें। तो इस तरीके से कट लगा देंगे जो कि मसाला जो हम डालेंगे पूरा अंदर तक लग जाए इसमें। इस तरीके से सभी में हम कट लगा देंगे मछली में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम डालेंगे दोस्तों अदरक लहसुन जीरा और प्याज का हमने पेस्ट बना लिया, इसे डाल देंगे दोस्तों। आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे दोस्तों और आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, तीखी मिर्च हम लाल डालेंगे, काली मिर्च पाउडर हम डालेंगे थोड़ा सा, स्वाद अनुसार नमक हम डालेंगे दोस्तों आधा चम्मच डाल रहे हैं हम, एक नींबू लेंगे उसे काट के इसके अंदर रस निचोड़ देंगे दोस्तों। और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मछली के अंदर लगा देंगे दोस्तों। दोस्तों सभी मछलियों में हमने अच्छी तरीके से मसाला लगा दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया है। अब आइए मछली को हम फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गैस को हमने जला दिया, कढ़ाई जो है हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल, तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दीजिए। तो दोस्तों तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, इसमें मछली को हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो आइए मछली को हम इस तरफ से पलट देते हैं, मछली को अलग पलट कर हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों गैस को मीडियम फ्लेम करके और मछली को हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी मछली हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे दोस्तों। मछली फ्राई हो चुकी है, वो काफ़ी बढ़िया से अच्छी तरीके से हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सभी मछलियों को हमने फ्राई कर लिया है, अब गैस को हम बंद कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिश फ्राई हमारी बिल्कुल बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और लाजवाब हुआ है दोस्तों। ये खाने में बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं और ये काफ़ी बेहतरीन पक चुका है। ये देखिए ये अच्छे तरीके से बिल्कुल पक गया है दोस्तों। तो इस तरीके से बनाएं और परिवार और बच्चों के साथ मज़े से खाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।